ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग आगे देखिए क्लास 11th विच चैप्टर वी आर स्टडीिंग, पीरियडिक टेबल स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम लोग आगे लेक्चर नंबर 5 पे आगे, 4 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और इसमें हम लोग आगे टॉपिक देखिए कौन सा है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स पे आगे। जैसे अगर थोड़ी सी बात हम लोग पीछे की रिकॉल करें, ग्रुप में कैसे चलते हैं, जितिन बताइएगा ग्रुप में कैसे चलते हैं और पीरियड में कैसे चलते हैं। लास्ट टाइम पे ये बात हुई थी ना, ग्रुप में कैसे मूव करते हैं, जाके घर पे रिवीजन किया कि नहीं किया, कॉपी खुली थी कि नहीं, अच्छा खुली थी तो बताइए फिर। ग्रुप में कैसे मूव करते हैं, हाँ ऊपर से नीचे आते हैं, हिंदी बोलिए, ठीक है ऊपर से नीचे आते हैं, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो अब हम लोग जब पीरियड की बात करेंगे तो लेफ्ट राइट मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। बस फाइल खोल लिया जाए फिर देखिए आप क्या अरेंजमेंट है। और पहले एक तो ये लर्न कर लें, जो ट्रेंड ग्रुप में होता है उसका उल्टा पीरियड में होता है, जितनी प्रॉपर्टीज हैं सब रिवर्स हो जाती हैं, पीरियडिक टेबल सब रिवर्स हो जाती है। उसमें रिकॉल करिए कि ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताइए। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर पहले तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, वाटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी से वैलेंसी वर्ड आया, उसी से वैलेंसी वर्ड आया। जो देखिए आउटर मोस्ट के सारे इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना, गलत हो गया, हाँ फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट दे पार्टिसिपेट और डू नॉट पार्टिसिपेट, आउटर मोस्ट के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते, आउटर मोस्ट के क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताइए जरा, क्लोरीन, हाँ नहीं 17, क्लोरीन इज 17, ठीक है क्लोरीन 17 है। देखिए तो 17 का जब कॉन्फ़िगरेशन किया हमने तो क्या हो जाएगा, हाँ अब 2.8.7 तो ये 10th में था, हाँ अब SPDF के टर्म में करना पड़ेगा आपको, SPDF के टर्म में करना पड़ेगा। इसका जब कॉन्फ़िगरेशन आता है, हाँ ठीक है लास्ट में आता है 3s2 3p5, ये आउटर मोशन का कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो हम मान के चलेंगे कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, क्योंकि बिना अंदर फिल के बाहर तो फिल नहीं कर सकते, तो कॉन्फ़िगरेशन हम केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही करेंगे। जैसे ये लिखा हमने और करते करते जैसे हमें याद हुआ आपको भी याद हो जाएगा क्लोरीन का क्या है 3s2 3p5, तो अब देखिए जरा कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं क्या, नहीं करते, हाँ कौन सा करता है, नहीं उल्टा बोल रहे बेटा, अंदर के तो कभी नहीं करते, याद रखिए अंदर के इलेक्ट्रॉन कभी नहीं करते। इलेक्ट्रॉन देखिए ये वाला आसानी से निकल सकता है कि अंदर वाला, बाहर वाला आसानी से निकलेगा, तो यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, इसलिए हमने अंदर के इलेक्ट्रॉन दिखाए उसी को मतलब भी नहीं है, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, यही वाले खाली पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें से भी सारे नहीं करते। कोई भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता क्यों है ये बताइए, स्टेबल होने के लिए, बहुत अच्छा, इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए क्या करता है, पेयर्ड हो जाता है, बस पेयर्ड हो गया तो स्टेबल हो जाता है ना। तो अब हमने ये कहा कि कौन से इलेक्ट्रॉन इसमें से पार्टिसिपेट करेंगे, तो आंसर इज दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड, पेयर्ड होने के लिए पार्टिसिपेट करता है, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
अब इसमें से देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, तो देखें एस सबसेल को हम ऐसे बना सकते हैं, एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, पी में कितने, छः होते हैं, और पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल, पी एक्स, अरे पी वाई पी जेड भाई, पी एक्स पी वाई पी जेड, ऐसे तीन होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड होता है। तो अब पांच इलेक्ट्रॉन है, देखिए हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, वन, अच्छा रुकिएगा पहले देखिएगा, टू, हाँ 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 बहुत नहीं, पहले बताइए ये किस रूल का वायलेशन हो गया, ये गलत है ना, जितिन सही है कि गलत है, ये दो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हमने डाला वो उसको कहाँ जाना चाहिए था, नाम बोलिए उसका, पी वाई में जाना चाहिए था, ये पी एक्स में, पहले पी एक्स पी वाई पी जेड एक एक हो जाता तब पेयरिंग स्टार्ट करना चाहिए था। ये किसका रूल है, रूल का नाम बताना है, किस रूल का वायलेशन किया हमने, ये होल्स रूल का वायलेशन किया, एच यू एन डी, पढ़ना शुरू करिए, एच यू एन डी कॉपी में लिख के आ जाके घर पे फिर से इसको देखेगा, एच यू एन डी होल्स रूल कहां पे मिलेगा, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में होल्स रूल मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ऑफ बाउस प्रिंसिपल, ऑफ बाउस प्रिंसिपल, ए यू एफ बी ए यू, अब बॉस प्रिंसिपल, पॉलीज, हाँ बोरबेरी रूल है ना, बोरबेरी तो हाँ, पॉली पॉलीज प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है, और होल्स रूल जो प्रैक्टिकली यूज करेंगे आप, तो ये तो गलत है। तो फिर हमने इलेक्ट्रॉन डाला, देखिए पी एक्स पी वाई पी जेड, फिर कहाँ डालें, अब पी एक्स में डालें, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने किया, ये कितना हो गया, चार हो गया, ये पांच हो गया। अब देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, नाम बताइए इसका, पी जेड अनपेयर्ड है, ओनली दिस इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया, क्लोरीन पे के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 में से कितने, केवल एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता, कौन सा, पी जेड, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड है। तो अब इसका मतलब कि 16 इलेक्ट्रॉन बेकार है उसके लिए, क्लोरीन की जितनी प्रॉपर्टी है वो केवल इसकी वजह से है, क्लोरीन इज क्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स 17th इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन तो सारे पेयर्ड हैं, वो पार्टिसिपेट ही क्यों करेंगे, वही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एलिमेंट स्टेबल होने के लिए तो काम करता है, ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑर्बिटल स्टेबल हो गया, तो केवल यही वाला पार्टिसिपेट करेगा, खाली यही पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और अब देखिए जरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जो पार्टिसिपेट करते हैं वही वैलेंसी डिसाइड करते हैं। तो यहीं से बात शुरू की थी हम लोगों ने कि आउटर मोस्ट के या वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कौन से करते हैं, जो अनपेयर्ड होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी डिसाइड होती है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, जब हम लोगों ने ग्रुप में बात की थी तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ता है, गलत हो गया, ये 50,000 रुपये का नुकसान हो गया आपका। हाँ क्वेश्चन गलत हो गया, ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट टर्म पे तो किया था हम लोगों ने इसको, देखिए ये देखे पहली करेक्टरिस्टिक ग्रुप की थी, वैन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये जरा देखिए, वन एस वन टू एस वन थ्री एस वन फोर एस वन फाइव एस वन, तो सब लोग तो कह रहे हैं कि नीचे आने बढ़ता है, एक नहीं सब लोग कह रहे हैं बढ़ता है, तो ये क्या है,
और पढ़ाई करिए बेटा, घर पे जाके पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए। और जैसे एक क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो घर पे जैसे बिस्तर पे जाएं, एकदम सोते समय एक झावड़ मार के सोइए, क्यों नहीं पढ़ाई किए थे, है कि नहीं। अपने को पनिश करिए यार, क्योंकि माइंड तो जानते हैं, इसको जब तक आप पनिश नहीं करते ये अच्छे से काम नहीं करता। ये हमेशा कंफर्ट जोन में जाने के लिए तैयारी रखता है, वही काम करता है जिसमें इसको इंस्टेंट प्लेजर मिल जाए, बस मजा मिल जाए। भाई लास्ट टर्न का पढ़ाया और अगले टर्न पे नहीं याद हो रहा है तो पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। भाई पहले हम केन लेके आते थे क्लास में और गर्ल्स यहाँ नेल डाउन होती थी एक घंटा, जब तक क्लास चल रही है एक घंटा ये चालू रहता था उनका, लेकिन सारे बच्चे रिस्पेक्ट करते थे। आज तो हम काम ये कर दें तो लड़की बाहर फ़ोन करेगी, बॉयफ्रेंड को बुलाया हम वो पीट देगी, वो तो हम सोच ही नहीं सकते यार। तो पहले बच्चे रिस्पेक्ट करते थे और उसका फिर रिजल्ट भी आता था। अब वो पढ़ना जब, फिर हम भी करते भाई मेरा प्रोफेशन है, हम क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारें, तो ज़्यादा इस समय ज्ञान नहीं देना है किसी को। हाँ अपना काम करते हैं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेगा, मुबारक हो आपको। पर हम क्या करें, करें तो क्या करें। अभी यह डर होता आपको तो याद हो जाता, आपको यह डर होता कि अभी यहाँ पे एक केन पड़ेगी आपको। अभी गर्ल्स को टच नहीं करते थे, गर्ल्स को यहाँ नील डाउन, दूर से ही प्रणाम, आइए घुटने पे ऐसे खड़े हो जाए, नील डाउन समझते हैं ना, और चलते रहता था ये आंसू, क्योंकि लड़कों के सामने नील डाउन है तो फिर हर्ट होता था ना। एक घंटा वो भी, एक घंटा वो भी। अब दो ऑप्शन थे, या तो आप कोचिंग छोड़ दें, अगले टर्न से आना बंद कर दें, या दूसरा तरीका है पढ़ना शुरू कर दें। दो में से जो अच्छा लगे करिए, ठीक है। तो बच्चे रिस्पेक्ट करते थे, करते थे, और वो डर खत्म हो गया। नहीं तो ये सब आपको एक दिन में याद हो जाता, डर होता तो। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो उनकी वैलेंसी भी सेम रहेगी। अब यही सेंटेंस हमने पीरियड में अप्लाई कर दिया। रेचल हेडिंग करिए, अगली टॉपिक की हेडिंग करिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। तो हम लोग देखिए अभी बात किया, ग्रुप में चलते हैं ऊपर से नीचे, पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं। जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक एक यूनिट बढ़ता है, एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। वो इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हम लोग ऐड करते रहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट नंबर वन लिखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द राइट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8, एक से आठ तक बढ़ते हैं, फ्रॉम 1 to 8। फिर सेकेंड पॉइंट करिए वैलेंसी, एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी दोनों के बारे में बताइए, ग्रुप में इसके पहले जो किया था हम लोगों ने, दोनों दो सेंटेंस अलग अलग बोलिए। हाँ, ऊपर से नीचे जाने पे नहीं, ऊपर से नीचे आने पे, नीचे आया जाता है ऊपर जाया जाता है ना। आप कहिए कि ऊपर से नीचे तो कमिंग होगा ना। गोइंग, अरे गोइंग इधर नहीं, गोइंग ऊपर होता है। तो सेंटेंस चेंज करेंगे हम लोग,
इन कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे रिमेन द सेम. एक सेंटेंस हो गया. और फिर बोलते हैं एंड वैलेंसी ऑल्सो रिमेन्स द सेम. सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, सबकी वैलेंसी कितनी है? वन. क्यों? यस, हाँ, बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप. एक ही ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी सेम रहेगी. बोलना शुरू करिए बेटा, चुपचाप क्यों बैठे हैं, मेरे साथ बोलना शुरू करिए. बार बार रोज ये बात होती है, रोज ये बात होती है, लेकिन फिर भी चेंज नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप अपने को बदलना नहीं चाह रहे हैं. और अगर ये कहा जाता है डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इंसैनिटी. इज कॉल्ड इंसैनिटी मतलब, इंसैनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? पागलपन. पागल यही तो करता है. अब कितना भी समझाइए वो अपना अपने अपने अप वही काम करेगा बार बार, क्योंकि माइंड उसका वहां तक जा ही नहीं रहा है. तो अब ऐसा कैसे होगा कि आप अगर वही चीज बार बार कर रहे हैं और रिजल्ट डिफरेंट एस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं आपकी आपका हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाए. अरे कैसे अच्छा हो जाएगा भाई, कुछ बदलाव तो किया नहीं आपने, तो कहां से चेंज हो जाएगा? वही रिजल्ट रहेगा. ठीक है. और फिर ये सोचिए कि कोई ये कह दे कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस करना चाहते हैं, तो क्या वेट लॉस के वीडियोस देख के वेट लॉस हो जाएगा? वही तो करते हैं आप यहां क्लास में, लेक्चर अटेंड करते हैं और रिवाइज नहीं करते, कुछ करते नहीं जा करके, तो क्या फर्क पड़ेगा कोचिंग करने से? भाई बार बार कह रहे मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए, बोलिए, माइंड को इन्वॉल्व करिए, और चुपचाप बैठे हुए हैं, तब भी चुपचाप बैठे हुए हैं. तो मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए बेटा, नहीं तो कोई फायदा नहीं. बस एकदम सेम एग्जांपल है कि आप वही वेट लॉस का वीडियो देख रहे हैं बस, और वो भी नहीं, खाली वीडियो नहीं देख रहे हैं, साथ में पिज्जा बर्गर भी चल रहा है. बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, कल से वेट लॉस करेंगे. अरे कैसे होगा, ये इसको पहले बंद तो करिए, खाना बंद करिए. यहाँ भी हो रहा है, हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप. अरे उससे क्या फर्क पड़ेगा जब तक तुम नहीं पढ़ोगे. आपको मज़ा आ रही खाली, हाँ बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बड़ा मज़ा आता है क्लास में. तो मज़ा लेने से पढ़ाई नहीं होती है. आप जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा. ये चीज़ जैसे आपने लिखा, इसको जाके फिर से लिखे घर पे, फिर से लिखे घर पे, बार बार लिखे, बोल बोल के रिवाइज करिए. घर पे जाके बोल के पढ़ते हैं कि नहीं? डेली जितना भी आज आपने पढ़ा उसको बोल बोल करके, इतना तेज बोली कि बगल की आवाज़ ना सुनाई पड़े आपको, पागल की तरह एकदम बोलते रहिए. ठीक है. एक तो बोलने से क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा हो जाएगा, बोलने से मेमोराइज हो जाता है, लर्न हो जाता है धीरे धीरे करके. ठीक है. तो आप देखिए जरा, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड व्हाट हैपेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8. अब उसके और ग्रुप में हम लोगों ने कहा था ऊपर से नीचे आने पर सेम रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे रिमेन द सेम एंड दे वैलेंसी ऑल्सो रिमेन्स द सेम. वैलेंसी भी सेम रहती है. अच्छा, जब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ रहा है तो वैलेंसी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल फर्क पड़ेगा. अब वैलेंसी सेम नहीं रहेगी, वैलेंसी भी क्या फर्क पड़ेगा, तो वैलेंसी इंक्रीजेस, बोलिए, फ्रॉम 1 to 4. हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी लेफ्ट राइट चलते हैं, तो 1 to 4 बढ़ती है और उसके बाद एंड देन डिक्रीजेस अप टू 1. यहां से देखिए मैंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स के, जैसे ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, आगे बोलिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एलिमेंट हैं. इन सब के हमने हाइड्राइड बना दिए, मतलब हाइड्रोजन से कंबाइन किया, और उसका वैलेंसी हम देखते हैं कितनी है. तो लिथियम की वैलेंसी 1 है, बेरिलियम 2 है, 3 है, 4 है, 4 के बाद फिर 3 हो गया, मतलब 1 to 4 बढ़ता है. अमोनिया का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, NH3 होता है, NH3 हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है. तो क्रिस्क्रॉस मेथड से नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. सामने देखिए ये NH3 लिखा है,
तो इसकी 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी इस समय कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की 1 होती है, और फ्लोरीन की 1 हो गई। तो देखिए ना, एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, लेफ्ट राइट चलने पे वैलेंसी हमारी 1 to 4 पहले बढ़ती है, उसके बाद डिक्रीज करती है। नोट करिए, सेकेंड पॉइंट करिए, वैलेंसी, सेकेंड पॉइंट लिखिए वैलेंसी। देन राइट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट डिक्रीजेस, एंड आफ्टर दैट डिक्रीजेस अप टू 1, डिक्रीजेस अप टू 1 इन अ पीरियड, अप टू 1 इन अ पीरियड। फिर एग्जाम्पल लिखिए, ऐसे ही आप चार्ट बनाइए, जरा लिखिए इन सेकेंड पीरियड, इन सेकेंड पीरियड। फिर देखिए हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स बनाने थे, 8 कॉलम, तो 8 कॉलम मतलब 7 लाइन ऐसे वर्टिकल कर दीजिए, 8 कॉलम बनाने हैं। और कितनी रोज दिखाई पड़ रही हैं, 2 रोज है, तो 2 रोज और 8 कॉलम का एक पहले बनाइए, टेबल बनाइए। 8 कॉलम करने के लिए क्या करें, 7 लाइन ड्रॉ कर दीजिए वर्टिकल, तो 8 हो जाएगी। देखिए 7 लाइन है कि नहीं, देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन करेंगे, उसका बंद कर देंगे तो 8 कॉलम तैयार हो जाएंगे। फिर ऐसे अगर 5 कॉलम बनाने हैं तो कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 कॉलम बनाने हैं तो कितनी लाइन, 4 लाइन ड्रॉ करें, एक कम रहती है, ये हो गया। फिर अब देखिए पहले कॉलम में लिखिए हाइड्राइड्स और नीचे वैलेंसी, तो पहला हाइड्राइड लिथियम का बनाइए LiH, फिर उसके नीचे लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। फिर आगे चलिए बेरिलियम हाइड्राइड BeH2, फिर बेरिलियम के नीचे वैलेंसी करिए 2, फिर आगे बोलिए फॉर्मूला बोलिए BeH3। बोल बोल के जितने लिखिए भाई, बार बार कह रहे हैं आप बोल नहीं रहे हैं, बोल के लिखिए बेटा, हमको सुनाई पड़े। इसका फॉर्मूला बोलिए, हाँ BH3, आगे वैलेंसी लिखिए 3, इसका फॉर्मूला बोलिए CH4 को क्या कहते हैं, नाम क्या है इसका, मीथेन, CH4 को मीथेन कहते हैं, वैलेंसी 4। फिर फॉर्मूला बोलिए, नाम बताइए, NH3, नाम बोलिए, अमोनिया, अमोनिया कहते हैं, वैलेंसी लिखिए 3। फिर आगे फॉर्मूला बोलिए, H2O, नाम बोलिए, वाटर, वाटर, वैलेंसी बोलिए 2। एक्चुअली हुआ क्या ना, कोरोना पीरियड में यही तो बंद हो गया, ये इंटरेक्शन बंद हो गया। भाई आप किस क्लास में थे कोरोना पीरियड में, 8th में जाने वाले थे, तो मतलब 8th और 9th, 2 साल ऐसे रहा होगा, हाँ हैं, हाँ। तो यही तो बच्चों की लर्निंग की स्टेज होती है, उसमें टीचर का इंटरेक्शन, शिक्षक तो बच्चा एकदम छोटा रहता है, कुछ नहीं पता उसको। अब इंटरेक्शन की जब बात आई, जैसे अभी हम आपके साथ में लगे हुए हैं, नाम बोलो, फॉर्मूला बोलो, वैलेंसी बोलो, तो आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जब जब कोरोना में ऑनलाइन क्लास चलती, ऐसे कोई बोलता था क्या, क्या करते थे, सबको पता था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होना है, 2 मोबाइल के साथ में, एक से एग्ज़ाम देना है, दूसरे से गूगल बाबा की मदद लेनी है, उठा के छाप देते थे,
यही तो होता था ना। और एक साल तो प्रमोट ही कर दिया गया था, ये तो और गलत किया था गवर्नमेंट ने, प्रमोट नहीं करना चाहिए था। उसमें जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी तो उनमें और जिन्होंने नहीं की उनमें क्या फ़र्क रह गया, फिर दोनों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, ये तो गलत था, है ना। लेकिन चलिए अब तो कोरोना निकल गया, मेरे साथ साथ इन्वॉल्व होइए बेटा। फिर अगला बोलिए HF, नाम बोलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड वैलेंसी वन, वैलेंसी वन, ठीक है। तो अब तो मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ करी तो आपको याद हो जाएगा, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट राइट वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस अप टू 1, पहले 1 से 4 बढ़ती है फिर 4 से 1 घटती है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट करिए, कितना हो गया, 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट करिए अटोमिक साइज, और फिर पहले अपना दिमाग लगा के कुछ बताइए अटोमिक साइज के बारे में, पहले ग्रुप में बताइए क्या हो रहा था अटोमिक साइज और क्यों, ग्रुप में सोचिए अटोमिक साइज पे क्या फर्क पड़ रहा था। बहुत अच्छा, हाँ खाली बढ़ रहा था ऐसे मत बोलिए, हाँ हाँ ये कहिए, हाँ जब भी ग्रुप की बात करेंगे तो साथ में वो पहले ऐड कर दीजिए, कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या हिंदी बोलिए ऊपर से नीचे आने पे जरूर बोलिए इसको साथ में, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप अटोमिक साइज इंक्रीजेस, अटोमिक साइज इंक्रीजेस क्यों इंक्रीज करती है जिस दिन बताइए, अटोमिक साइज क्यों बढ़ती है ग्रुप में नीचे आने पे, क्यों बढ़ती है अटोमिक साइज, हाँ बताइए कोई बताइए ना, ये तो जंप कर गए आप यहां से वहां चले गए हैं, अटोमिक नंबर तो पीरियड नहीं बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल इज द आंसर, बहुत अच्छा, नंबर ऑफ सेल इज द आंसर, ऊपर से नीचे आने पर एक एक सेल बढ़ जाती इसलिए साइज बढ़ जाता है। अटोमिक साइज कहते किसको है, व्हाट इज अटोमिक साइज, डिस्टेंस बिटवीन, जैसे ये न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को अटोमिक साइज कहते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आप ये बताइए ऊपर से नीचे आए तो एक शेल बढ़ गई ना, तो अब जो साइज होगी वो ये हो जाएगी, तो बढ़ तो रही, जैसे जैसे नीचे आएंगे साइज आपकी बढ़ती जाएगी। तो आपसे मैंने क्वेश्चन किया कि ऊपर से नीचे आने पर अटोमिक साइज क्यों बढ़ती है, पहले तो अटोमिक साइज तो बोलिए बढ़ती है, फिर क्वेश्चन हुआ क्यों बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने में नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। आपने जैसे पहले कहा मेटालिक करेक्टर तो पूरा गलत तो नहीं था, बट इट वॉज नॉट रेलिवेंट, इट वॉज नॉट रेलिवेंट, हाँ ठीक है साइज मेटेलिक करेक्टर इनडायरेक्टली दूर का रिश्ता है लेकिन मतलब जैसे कजिन होना और रियल ब्रदर दोनों में फर्क होता है ना, भाई दोनों को कहा जाता है, तो एक सगा भाई एक कजिन भाई है, तो ये कजिन भाई आपने बना दिया उसको, हाँ तो उतना फील नहीं आएगा फिर। अच्छा पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पे साइज बहुत अच्छा डिक्रीज करता है, अब बताना है क्यों, गलत, नंबर ऑफ सेल डिक्रीज करता है लेफ्ट राइट जाने पे, क्या होता है नंबर ऑफ सेल, पहला पॉइंट था नंबर ऑफ सेल्स लेफ्ट राइट जाने पे क्या होता है, अरे यार इंक्रीज करता है, अच्छा अब हम क्या करें, अपना सर पटकें क्या करें कैसे करें, सेम रहता है भाई, अब बताइए हम क्या करें इसके लिए, अभी बताया उसका एक ही तरीका है, और पढ़ाई करिए, कुछ नहीं करना, और पढ़ाई करना। जब गूगल के ओनर्स का नाम बता सकते हैं, गूगल के ओनर्स का नाम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो सब्जेक्ट पढ़िए उसके साथ में कोई न कोई बुक जरूर अलग से पढ़ा करिए, कैसी बुक,
किसी कोई मोटिवेशनल बुक पढ़िए या कोई किसी की ऑटोग्राफी पढ़िए, किसी भी फील्ड के सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़िए, इसकी हैबिट ज़रूर डालिए। इससे क्या होता है, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। ये किताबें ऐसी हैं, कुछ नहीं समझ में आता है तो यू जस्ट स्टार्ट विद द बुक, यू कैन विन। बुक का नाम लिख लीजिए कहीं पर, यू कैन विन। बुक का नाम है यू कैन विन, बुक का नाम है यू कैन विन। आप चाहे तो इसको अमेजोन से ऑर्डर कर दीजिए, या मैंने 50 कॉपी मंगा के रखी है, 50 कॉपीज मंगा के रखी है। मेरा काम किताब बेचना नहीं है, हमको पढ़ाने वाला पैसा, जी किताब ये थी पैसा नहीं चाहिए हमको, वो मेरा बिजनेस नहीं है। लेकिन होता क्या है, इन द लाइफ यू हैव टू बी प्रमोटर एंड प्रोवाइडर बोथ। क्या कहा मैंने, प्रमोटर एंड प्रोवाइडर बोथ, तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। भाई मैंने खूब तारीफ किया, घर पे जाते आते आप भूल गए। अब मैंने कहा मेरे पास किताब है, हाँ दे दीजिए सर, तुरंत है, पैसा नहीं कल दे दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा, है ना। फिर आप भूल गए, फिर हम आपसे कहेंगे वो पैसा किताब का, हम आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपको भूलने नहीं देंगे, क्योंकि वैल्यू होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कई बच्चे ऐसा होता कि बुक बोरो करके पढ़ते हैं, कभी नहीं करना। फर्स्ट ओन इट, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, फर्स्ट ओन इट। और ये सब किताबें पेरेंट के पैसे से मत खरीदिए। इसको कैसे परचेज करना है, विद द हेल्प ऑफ योर सेव्ड मनी, पॉकेट मनी, या स्टार्ट गिविंग ट्यूशंस, स्टार्ट अर्निंग। आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज इन क्लास 10 से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। 10 से घर से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता था, नहीं लगता था, वो आदत आज भी है, किसी से मांगना नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ठीक है, कोई फीस के लिए भी मजबूरी है, मेरे को कहना पड़ता, अच्छा नहीं लगता फीस के लिए कहना किसी से, पैसा मांगना किसको अच्छा लगता है यार, किसी को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरत सबको है। तो आप नहीं मांगेंगे तो भूखे मरेंगे, फिर ना मांगिए फॉर्मेलिटी करते रहिए, फिर तो ज़िंदगी सिखा देती है सब, है ना। तो आप, हम तो सबसे कहते हैं कि बेटे पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर आपके पास पॉकेट मनी है तो उससे परचेज करिए, बट बोरो करके मत पढ़िए किताब को। पहले इसको परचेज करिए, फिर अपना नाम लिखिए उस पर, दिस इज माई वर्क, एंड अंडरलाइन करिए, हाईलाइटर लगाइए, वो सब। जब आप बार बार उस पर प्रेशर डालेंगे ना, तो इट विल गो इन टू हेड, जितना ज़्यादा और बोरो की रहेगी तो उस पर आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। नीट एंड क्लीन आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट वापस करना पड़ेगा आपको, वो क्या ये गंदा कर दिया, क्या कर दिया। अपनी बुक है, जो मर्जी यूज़ वो करेंगे, उस पर नोट्स लिखेंगे। जैसे कोई भी बुक मेरे को देख ली, जब आप ऑफिस में कभी भी देखें तो हम कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते हैं, और उस पर खूब हाईलाइटर है, पेन है, वो सब चलता रहता है। तो जब आप उस पर हाईलाइट करते हैं तो वो आपके ब्रेन के अंदर जाता है। तो दिस इज़ बहुत ही सिंपल, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और आपको यहाँ पे लैंग्वेज नहीं चेंज करना है, इफ़ यू आर कम्फर्टेबल इन हिंदी, लाइक आई वॉज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो आई प्रिफर हिंदी। अब तो दोनों हो गया धीरे धीरे, बट अगर प्रिफर करेंगे तो हिंदी आई विल प्रिफर, वो ज़्यादा समझ में आती, मदर टंग हमारी हिंदी है, तो थॉट हिंदी में आते हैं। जैसे कुछ अंग्रेज होते हैं, उनके थॉट ही अंग्रेजी में आते हैं, अब पता नहीं होंगे, लेकिन मेरे थॉट तो हिंदी में आते हैं, देन आई ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना। जिसमें कंफर्टेबल हो, हमको भाषा नहीं बदलनी है, हमको सोच बदलनी है, गॉट द पॉइंट। हमें भाषा नहीं बदलनी, हमें सोच बदलनी है। थॉट से फ़र्क पड़ता है, लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे रोज खड़े हो जाते हैं कि बच्चों को स्कूल में क्यों नहीं सिखाते यार। अभी ज़्यादातर बच्चों को ये पता लगता है कि अगर इंग्लिश जिसकी अच्छी होती है वही सक्सेस पाता है, क्या ये सही है? ऐसा नहीं है यार, योगी जी तो इंग्लिश नहीं बोलते, दुनिया प्रणाम करती आ करके, मोदी जी इंग्लिश नहीं बोलते, रामदेव को देख लीजिए आप, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है जो प्रणाम नहीं करता है, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो उनको, बाबा रामदेव को प्रणाम नहीं करता। और हिंदी, शुद्ध हिंदी, संस्कृत बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, किस चीज़ से? आप
अपने अंदर क्या, मैंने उस दिन भी कहा था, पीपल डोंट लाइक यू, दे लाइक योर पर्सनैलिटी, रिमेंबर, दे डोंट लाइक यू, दे डाइट ओनली योर पर्सनैलिटी। तो भाषा से फर्क नहीं पड़ता है। ये कहा जाता है कि आप जिंदगी में कोई भी काम करिए, कोई भी काम करिए, ये चलेगा। क्या मतलब हुआ? 8 out of 10 इट्स ओके। कुछ भी करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, रुपया कमाते हैं, ठेकेदारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो 8 upon 10 इज ओके। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटी, तो ये कोशिश करिएगा। क्या मतलब हुआ? इंसान पूरा होना चाहिए, इंसान पूरा होना चाहिए, ठीक है, तब दुनिया आपसे दोस्ती करना चाहेगी। यहां तो उसको रिलेशन बनाना ही है, यहां तो बिजनेस चल रहा है, यहां तो 8 out of 10 चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग उल्टा ही करते हैं, यहां 10 upon 10 करते हैं और यहां 8 upon 10 कर देते हैं। जैसे प्रॉमिस किया किसी को, पेमेंट करना है इस डेट को, कर देंगे, कहां जाते हैं, इस पे जाते हैं कि इस पे जाते हैं? ज्यादातर लोग 8 upon 10 पे जाते हैं। तो क्या होता है, रिलेशन क्या होता है फिर उनका? पेमेंट तो करते हैं, ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं करते, पेमेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन लेकिन उनको जैसे पैसा तो दिया उतना ही दिया उन्होंने, लेकिन अगर डिले करके दिया तो उनको वो नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए था। अगर टाइमली आपने पेमेंट किया तो आपको सर्विसेज ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, और किसी ने पेमेंट डिले से किया तो उसको सर्विसेज मिलेंगी लेकिन उतनी नहीं मिलेंगी, उतनी नहीं मिलेंगी। किसी के भी डॉक्टर की फीस है, आप झला झला के दीजिए उसको, अगली बार दवा क्या करेगा, आपको कहेगा क्या? दवा लिख देगा और पेट खराब हो जाएगा अब आप उसको और ज़्यादा पैसा देंगे। तो ये ज़िंदगी में याद रखिए बेटा, ये ज़िंदगी भर काम आएगा आपको ये वाली एजुकेशन, कि जो आपका प्रोफेशन है उसमें 8 upon 10 चलेगा। यहाँ ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, पूरा दिमाग यहाँ पर लगाइए कि जो इंसानियत है आपकी, कोई भी काम ऐसा मत करिए कि दूसरे की फीलिंग हर्ट हो। हम इसे याद रखिए, कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी करने के पहले सोच लीजिए कि यार इससे किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा है, 10 बार सोचिए। अगर लगता है कि नहीं इसको अच्छा नहीं लगेगा, डोंट डू दैट जॉब, बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए। और एक इंसान नहीं होता, आपको लगता है एक से क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं एक से फ़र्क पड़ता है, एक इंसान नहीं होता। एक इंसान गांधी तो अकेला था, अब पूरी दुनिया पर राज कर गया, तो एक इंसान इसको भी रट लीजिएगा, 1 man or woman विथ करेज इज मेजॉरिटी। भीड़ ने कभी कुछ नहीं दिया, लीडर्स ने दिया है, और लीडर हमेशा सिंगल अकेला होता है, लीडर हमेशा अकेला होता है। शेर झुंड में रहते हैं, टाइगर झुंड में नहीं रहता शेर झुंड में रहते हैं, टाइगर झुंड में नहीं रहता, टाइगर हमेशा अकेले रहता, हमेशा अकेले रहता, और पूरे जंगल का राजा होता है। शेर को राजा नहीं कहा जाता, टाइगर को राजा कहा जाता है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होता है वो, हमेशा टाइगर की पहचान हमेशा अकेले रहता, हमेशा अकेले रहता है, और किसी पर डिपेंड नहीं होता, किसी पर डिपेंड नहीं होता, पूरा डिसीजन अपने आप लेगा, सब भूख लगेगी तुरंत शिकार करेंगे, तुरंत शिकार करेंगे, मांग के नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ये इसको हमेशा याद रखिएगा। और ये कौन सिखाएगा? ये किताबें सिखा देंगी आपको। हमको कौन सिखाता है? ये बुक सिखा देती हैं। इसकी हैबिट डालिए। अगर आपने ये काम किया तो 1 महीने में 1 किताब खत्म हो सकती है कि नहीं? रोज 10 मिनट पढ़ते हैं, बस 15 मिनट पढ़ते हैं, हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। बट डेली डेली कहीं जा भी रहे हैं, बनारस भी गए तो किताब लेके गए, सोने के पहले किताब 10 मिनट 15 मिनट पढ़ के ही सो रहे हैं। तो जब 1 महीने में 1 किताब हो गई तो साल भर में 12 किताब हो गई। 5 साल बीतने में टाइम थोड़े लगेगा, कितना हो गया, 60 किताबें यहां पे भर गई आपके।
अब जानते क्या होगा 5 साल के बाद, जो आपके दोस्त हैं वो एवरेज थॉट होंगे उनके। उनके थॉट कौन से होंगे? उनके थॉट यही वाले होंगे सब जगह, यहां भी यहां भी। ठीक है, एक दो मिनट की स्टोरी सुनिए, रिलेट करिए क्या मतलब है इसका। एक जगह पे काम करने गए तो लकड़ी काटने का काम था, तो एक आदमी दिन भर लगा रहता था, दिन भर लगा रहता, तो उसको 5,000 मिलते थे महीने के, दिन भर लगा रहता था। और एक आदमी, दूसरा आदमी आता तो 2 घंटे के लिए काम करता, तो महीने में 10,000 मिलते थे उसको। तो जब पता लगा, जब सैलरी बटी, तो उसने कहा ये क्या मतलब है, हम दिन भर लगते हैं, मेरे को 5,000 देते हैं आप, और ये 2 घंटे के लिए आता है, इसको 10,000 देते हैं, ये कौन सा जस्टिस है? कि वो लकड़ी ज्यादा काटता है, सीधी सी बात है, वो प्रोडक्शन ज्यादा दे रहा है हमें, वो प्रोडक्शन ज्यादा दे रहा है हमें, तो आप भी ज्यादा दीजिए, उतनी लकड़ी आप भी काटिए, आप भी 10,000 ले जाइए। तो पता लगा ये ज्यादा कैसे, हम तो ज्यादा काम करते हैं, फिर वो ज्यादा कैसे करता है? तो कैन यू गेस, वो अपनी कुल्हाड़ी पे रोज धार लगा के आता था, रोज वो धार लगा के आता, तो उसकी कुल्हाड़ी तेज थी। ठीक है, तो ये धार लगाने का काम करेंगी ये किताबें, याद रखिएगा। ये इन दोनों में से कहां पर आपको ज्यादा अच्छा बनाएंगी? इंसानियत वाले में, 10/10 वाले में। ये आपको एक अच्छा, बेहतर केमिस्ट्री पढ़ के, पता नहीं, बींग अ टीचर केमिस्ट हमको नहीं कहना चाहिए केमिस्ट्री भी अच्छी बात, उसको ही पढ़िए, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने से यहां स्ट्रांग हो जाएंगे आप, लेकिन यहां नहीं होंगे, जिंदगी में स्ट्रांग नहीं होंगे। उसके लिए आपको ये किताबें, जो यहां पे कुछ करें, सोचने को मजबूर कर दें। ठीक है, इन्हीं का ये कोटेशन मैंने कॉपी किया, वहां पे देखिए, वी आर, बोलिए, वी डू, अभी इसका पहले मतलब बताइए, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, जो हम रोज रोज कंटिन्यूअसली करते हैं। जैसे देखिए ना, यहां पे मैंने पढ़ाया और आपने घर पे जाके रिवाइज नहीं किया, कब रिवाइज किया? जब एग्जाम हुआ, तो उसका रिजल्ट अलग होगा। और किसी बच्चे ने हैबिट बना ली कि नहीं यार हम ऐसे करते हैं, और फिर क्या होता, अगली लाइन देखिए क्या लिखा, एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। जो एक्सेलेंस होता है वो जहां तो लोगों को कहते लगता है यार बड़ी अच्छी किस्मत है इसकी, टॉप कर गया। भैया तुम्हारी भी किस्मत अच्छी हो सकती है, रोज तुम भी पढ़ाई करो, बिकॉज एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ हैबिट, इट इज अ हैबिट, हैबिट बनाना है, फर्स्ट यू मेक हैबिट्स, देन हैबिट्स मेक यू, बस इसको याद रखिए। तो बस इसको जितनी जल्दी हो सके आप इसको स्टार्ट करिए, अमेजोन पे मिलती तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास सही, मेरे पास किताबें रखी हुई हैं, लेकर के इसको पढ़ना शुरू करिए। और नोट्स बनाइएगा अलग से, यू कैन विन की कॉपी बनाइएगा, खाली पढ़िएगा नहीं, जो अच्छा कोटेशन लगे, जैसे ये अच्छा लगा मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, और इसको मैंने लाइफ में अपने उतारा है, ये खाली बस लिखा नहीं है, ये सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ वही आपसे करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, फिर वापस आते हैं, अब हमको क्या करना है, जैसे ग्रुप और पीरियड को हम कंपेयर कर रहे थे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में साइज पे क्या फर्क पड़ा? हाँ, साइज, हाँ क्या रहती है ना, डिक्रीज होती है। अभी देखिए इसने, हमने क्या कहा था कि जो ट्रेंड ग्रुप में होगा उसका अपोजिट होगा पीरियड में, पहले तो यही रट लीजिए, जितने भी ट्रेंड्स हैं ग्रुप के वो सारे ट्रेंड पीरियड में जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। तो ग्रुप में अभी हम लोगों ने बात किया, ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीज करती है, डिक्रीज करेगी, बात खत्म हो गई, जस्ट अपोजिट है, पहले तो ये रट लीजिए, जस्ट अपोजिट है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है,
कि लेफ्ट राइट जाने पे साइज क्यों डिक्रीज करती है, अब ये क्वेश्चन है, साइज क्यों डिक्रीज करती है ये क्वेश्चन है। अब देखिए जरा, पहले हम लोगों ने क्या किया, इन अ पीरियड एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट राइट, ग्रुप में क्या होता था, बढ़ रहा था, पीरियड में डिक्रीज करता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो लार्जेस्ट साइज कहां पे मिलेगी पीरियड में, बहुत अच्छा, एल्कली मेटल पे, कौन सा ग्रुप है ये, वन नहीं, यस नहीं, केवल वन है बेटा, ओनली वन, ग्रुप टू इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, सबका नाम अलग अलग है, ओनली ग्रुप वन इज कॉल्ड एल्कली मेटल, एल्कली मेटल है ना, लार्जेस्ट साइज इन अ पीरियड एल्कली मेटल, बहुत अच्छा, स्मॉलेस्ट साइज इन अ पीरियड हैलोजन, बहुत अच्छा, ग्रुप 17 में चले गए, तो ये आपको रटना पड़ेगा। अब हम लोग ये कह लेते हैं कि साइज क्यों डिक्रीज करती है, लेफ्ट राइट जाने पे साइज क्यों डिक्रीज करती है, तो अभी ये तो हम लोग ग्रुप पीरियड खत्म कर लें, फिर ब्लॉक खत्म कर लें, एंड देन वी विल स्टडी पीरियडिक प्रॉपर्टीज, पीरियडिक प्रॉपर्टीज, दिस इज वन ऑफ द पीरियडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज, पीरियडिक प्रॉपर्टी क्या, हम लोग फिर वहां पे एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका, कि अभी तो हम लोग ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं कि कम होता है कि ज़्यादा होता है, जब पीरियडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि क्यों कम होता है क्यों ज़्यादा होता है, एक्सप्लेनेशन वहाँ पे करेंगे। अभी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं कि क्यों ये कम हो रहा है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये न्यूक्लियस थी, ये आउटर मोस्ट है, और जो जिसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं वो कोई लाइन नहीं होती है, जैसे रोड होती है, रोड तो रोड पे आप चाहे यहाँ रहें यहाँ रहें यहाँ रहें यहाँ रहें, कहाँ तो जाएगा, सेम रोड पे है ना, क्या MG मार्ग पे चल रहे थे, महात्मा गांधी मार्ग पे चल रहे थे, आप बीच में चले चाहे कहाँ तो जाएगा, उसी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, ये नहीं कहेंगे कि कहाँ पे हुआ था, रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ भी है, जिसको ऑर्बिट कहते हैं वो ऑर्बिट कोई लाइन नहीं होती है, इसीलिए इसको एनर्जी लेवल कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेम शेल कहा जाता है। अब जब हम लोग क्या होता है, जैसे लेफ्ट राइट चलें तो प्रोटॉन पे क्या फर्क पड़ा, P+1 हो जाता है, लेफ्ट राइट गए तो P+1 बढ़ जाएगा ना, अच्छा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, E+1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ही बढ़ता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो उसी शेल में ऐड किया जाता है ना, शेल तो वही रहती है, शेल तो वही रहती है। तो आप जरा देखिए, जब हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है कि नहीं, अनलाइक चार्जेस हैं अट्रैक्ट करता है, जब यहाँ अपने प्रोटॉन बढ़ा दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन इसको और थोड़ा अच्छे से अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अपने बढ़ाया, तो अभी इसी को हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब पीरियडिक प्रॉपर्टी करेंगे तो वहाँ पर आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स आर स्लाइटली पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, कि जब प्रोटॉन बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, ENC बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जब यह बढ़ता है तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर स्लाइटली पुल्ड अप टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो जब यह पुल करता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां आ गया, तो यहां से उठ के यहां आया, तो साइज पे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, पहले पहले ये साइज था, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन पड़ा, तो जैसे ग्रुप पे ऊपर से नीचे जाते तो साइज बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन जब पीरियड मूव करते हो तो साइज उतना फर्क नहीं पड़ता है लेकिन पड़ता है। ठीक है, चलिए नोट करिए एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन नोट करिए, लिखे इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स, इन अ पीरियड एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फुल स्टॉप, दस इन
एनी पीरियड, दस इन एनी पीरियड द एल्कली मेटल हैज, इन एनी पीरियड द एल्कली मेटल हैज द लार्जेस्ट अटोमिक साइज, लार्जेस्ट अटोमिक साइज एंड द हैलोजन हैज, एंड द हैलोजन हैज क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट अटोमिक साइज, हैलोजन हैज द स्मॉलेस्ट अटोमिक साइज, स्मॉलेस्ट अटोमिक साइज। फिर नेक्स्ट करिए नंबर फोर, मेटालिक करेक्टर, नंबर फोर मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर स्टॉप राइटिंग, ऊपर से नीचे आने पे मेटालिक करेक्टर यस इंक्रीज करता है, ऐसे बोलिए कि क्लियर सुनाई पड़े, तेज इम्फेसिस करी प्रोनाउंसिएशन, और हमको इंक्रीज डिक्रीज में कंफ्यूजिंग लग रहा था कि आप क्या बोल रहे हैं, हाँ तो मतलब ऐसे बोली, इसकी भी हैबिट डाली रही, चल स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं तो सारे प्रोनाउंसिएशन क्लियर आ रहे हैं, एफर्ट करना पड़ा सुनने के लिए क्या, इसकी आदत डाली बेटा, इसकी आदत डाली है, कितना भी नॉलेज है और अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते सारी नॉलेज धरी रह जाएगी, कोई भी पसंद करेगा आपको। तो किसने कहा पढ़े मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा पीरियड में, अभी तो ग्रुप की बात हो रही है, तो पीरियड की बात ही नहीं हुई, ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप में मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, तो अभी हमने कहा जो ग्रुप में होगा उसका उल्टा पीरियड में आएगा तो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रही है, ठीक है नोट करिए, The metallic character decreases, metallic character decreases from left to right in a period, from left to right in a period, फिर एक example दिखाइए, लिखिए in third period, example in third period, एग्जाम्पल थर्ड पीरियड, तो चलिए टेबल बनाते हैं, देखिए कितने कॉलम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे आप, फिर 7 कॉलम्स बनाने थे, लेकिन नीचे वाले रो में खाली दो ही पार्ट में करना है, बल्कि नीचे वाले को वैसे ही खाली रहने दीजिए, उसको अलग से लिख लेंगे, फिर एलिमेंट्स डाल दीजिए, नाम बोलिए, एनए का नाम बोलिए सोडियम, फिर बोलिए बोल बोल के लिखिए, जितिन बोल के लिखिए बेटा, नाम बोलिए जितिन, नाम बोलिए, नाम बोलिए, नाम एनए का नाम बोलिए, अब सोने के पहले एक झापड़ मारिएगा अपने आपको कि हमको सोडियम क्यों नहीं पता तुमको, भाई क्लास 11 का बच्चा सोडियम नहीं पता तो झापड़ पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो कल आप पढ़ के आएंगे, फिर एमजी को बोलिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, फिर बोलिए एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सल्फर क्लोरीन, ऐसे बोलिए, और फिर देखिए सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम इतना मेटल है, ये तीन एलिमेंट मेटल हैं, और उसके बाद देखिए नॉन मेटल हो गया, फिर सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल्स हो गए, बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, पांचवी प्रॉपर्टी करिए डायगनल रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी नंबर 5 करिए डायगनल रिलेशनशिप, डायगनल रिलेशनशिप, बस हेडिंग करके छोड़िए, फिर अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। Thank you.